दोस्तों, आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की चौथी क्लास है। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था होम में, फॉन्ट का जो सेक्शन था वो तकरीबन हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लिपबोर्ड का भी सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम इंसर्ट के स्टेप में दाखिल होंगे। तो आज मुझे कुछ मटेरियल ज़्यादा चाहिए। ब्रैकेट ऑफ करूंगा और इंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे सामने दो पेज पे जो है मटेरियल आ गया। अब दो पेज कहां से पता चलेगा, हम यहां पे आएंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ में आप देखेंगे कि इस वक्त जो मेरी कर्सर खड़ी हुई है वो है पहले पेज पे और यहां पे है टोटल दो पेज। और जो वर्ड्स हैं वो हैं 1023। तो यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ में देख भी सकते हैं कि आप कौन से पेज पर खड़े हुए हैं और आपने कितने वर्ड जो हैं वो लिखे हैं इसमें। तो दोस्तों, सबको सबसे पहले मैं इनको सिलेक्ट ऑल करूँगा और कंट्रोल जे शॉर्टकट की इस्तेमाल करूँगा जस्टिफाई करने के लिए। ये मैंने जस्टिफाई कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि हम बॉर्डर इसके जो टॉप और बॉटम में लगाएं, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडिंग में जाऊँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपके सामने बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपके पास थिंक जो है कैसी होनी चाहिए, जो लाइन है हमारी बॉर्डर की वो कैसी होनी चाहिए। ये सैंपल यहाँ पे पड़े हुए हैं इसके सामने, ये देख ले आपको किस किस्म की जो है बॉर्डर चाहिए। और ये बॉर्डर का आपसे कलर पूछ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे ये देखे लिखा हुआ है कलर। तो अब यहाँ से आप बॉर्डर का कलर भी चॉइस कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसका चॉइस कर रहा हूँ ब्लू। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मैं अभी यहाँ पे देखें नॉन पे लगा हुआ है, मैं इसको कर रहा हूँ बॉक्स। तो देखें ये बॉक्स यहाँ पे चारों तरफ दिखाई दे रहा है मुझे। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ की हटा दूँ, यहाँ पे आप लाइन पे क्लिक करेंगे और इस साइड वाली मैं हटा दूँ, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो थिंक जो है मुझे इसकी जो वेथ है बॉर्डर की वो मुझे चाहिए 1 PT चाहिए। तो मैं इसको क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखें शो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जब तक मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूँगा मुझे शो नहीं होगी यहाँ पे। यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, ये इसकी जो थिंक है वो ऑटोमेटिकली 1 PT तक आ जाएगी। इसको मैं ओके करता हूँ तो ये देखिए ऊपर और नीचे जो है मेरी बॉटम और टॉप में जो है मेरी लाइन आ गई है और साइडों से जो है मैंने लाइन ख़त्म कर दी थी। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके सामने कि आप यहाँ से नो बॉर्डर करेंगे तो ये दोबारा यहाँ से नो बॉर्डर हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। आप देखें यहाँ पे मैं दोबारा इसको रेंज में ले रहा हूँ और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और मैं बॉर्डर और शेडिंग में जा रहा हूँ। यहाँ से मैंने कलर चॉइस किया जैसे कि ऑरेंज और यहाँ से मैंने बॉर्डर चॉइस की, मुझे ये वाली बॉर्डर चाहिए। और यहाँ से जो मैंने इसकी थिंक चॉइस की कि मुझे इतनी मोटी ये चाहिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ से दोबारा कलर चेंज करूँगा तो ये देखें यहाँ पे कलर चेंज होगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये देखें आपके सामने है। जितना आप काम को खूबसूरत बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। अगर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपको कोई भी चीज़ कलर में अच्छी एक कलर वाली चीज़ बनानी है तो उसके लिए आपके पास कलर प्रिंटर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास कलर प्रिंटर नहीं होगा तो ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर में ये काम आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये अगर आप इस पर प्रॉपरली वर्क करेंगे और अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जो आप अपनी तरफ से भी कोशिश करके इसको बना सकते हैं। ये ड्रॉ टेबल है, ये ड्रॉ टेबल का कॉन्सेप्ट हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, इंसर्ट वाली क्लास में आता है। दोस्तों, मुझे ये बॉर्डर ख़त्म करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोबारा आके और नो बॉर्डर कर दूँगा। ये देखें आपके सामने यहाँ से जो बॉर्डर थी बॉटम और टॉप में वो ख़त्म हो गई। अब हम चलते हैं इंसर्ट वाले ऑप्शन में। मैंने आपको बताया कि इंसर्ट का मतलब है किसी चीज़ को दाखिल करना। इंसर्ट वाले ऑप्शन में आज हम सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है पेज सेक्शन और टेबल सेक्शन, और जो उसमें हमारा दूसरा है वो है इलस्ट्रेशन। आज कोशिश करेंगे
कि ये तीनों सेक्शन हम पूरे कर लें जितना हो सके, कि जल्द से जल्द ये क्लासें पूरी हो जाएं, क्योंकि आगे जो हमारी क्लासें होंगी वो एक्सेल की, पावर पॉइंट की और एक्सेस की होंगी और पब्लिशर की। तो दोस्तों से गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों ये कवर पेज है, यहाँ से हम कवर पेज इंसर्ट करते हैं। मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ, आप देखें ये कवर पेज हम यहाँ से जैसे इंसर्ट करेंगे तो ये इसके अपने ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से एक ब्लैंक पेज भी उठा सकते हैं, यहाँ पे जो है आप ब्लैंक पेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये इसके बने बनाए हुए पेज हैं, जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखें जो मेरा मैटर था वो नीचे वाली पेज की तरफ चला गया। जैसे हम किसी बुक का जो टाइटल पेज बनाते हैं तो ये इसके टाइटल पेज सैंपल में बने हुए हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ, आप देखें यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है साल कौन सा है। ऐसे ही मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये आपके सामने कैलेंडर खुल जाएगा जो आपके कंप्यूटर में होगा। तो आपसे पूछेगा आप डेट कौन सी डालना चाहते हैं और कौन सा आप यहाँ पे जो है मंथ लगाना चाहते हैं। जैसे कि मैं डालना चाहता हूँ 21/2020। जब ये फाइल में सेव करूँगा तो मुझे दिखाई देगा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंपनी नेम सिंध पाकिस्तान, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अथराइजेशन मोहम्मद अली। और यहाँ पे आप नीचे बॉटम में आएंगे तो यहाँ पे भी आप अपनी मर्जी से मटेरियल डाल सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं और यहाँ पे कुछ भी मटेरियल आप दे सकते हैं। और नीचे हमारा ये मैटर आएगा, मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ, कंट्रोल जेड। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आपको कोई ब्लैंक पेज चाहिए, पेज से इस मैटर से ऊपर आपको अब ब्लैंक पेज चाहिए, आपने पूरा जो है ना किताब लिख लिया है पर आपने टाइटल के लिए पेज नहीं छोड़ा, तो आपको यहाँ पे ब्लैंक पेज लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्सर को ऊपर लाना पड़ेगा। यहाँ पर, यहाँ पे हम रखेंगे कर्सर को और ये लिखा हुआ है ब्लैंक पेज। मैं जैसे ही ब्लैंक पेज को क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि मुझे जो है एक ब्लैंक पेज ऊपर मिल गया काम करने के लिए। यहाँ पे मैं टाइटल पेज भी बना सकता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी तरफ से कोई अच्छी डिज़ाइन भी बना सकता हूँ, तो ये मेरा कहलाएगा टाइटल पेज ऊपर से। कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ, अगर मुझे नीचे की तरफ कोई, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लें ये और ये पेज, दो पेज हैं, अगर मुझे नीचे की तरफ कोई ब्लैंक पेज चाहिए तो मैं यहाँ पर ब्लैंक पेज क्लिक करूँगा तो बीच में जो है मेरा एक ब्लैंक पेज बन जाएगा और जो मेरा दूसरे पेज का मैटर था वो नीचे की तरफ चला जाएगा। क्योंकि मुझे बीच में एक पेज खाली चाहिए था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ब्लैंक पेज को क्लिक किया। बॉटम में आके किसी भी पेज में आप बॉटम में खड़े होंगे और यहाँ पे इस ब्लैंक पेज को क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ आपको एक खाली पेज मिल जाएगा। ये देखें, मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ। दोस्तों अब मैं आता हूँ पेज ब्रेक सेक्शन पे। पेज ब्रेक का जो सेक्शन है फिलहाल क्लास नहीं चला सकते, क्योंकि इसकी जो क्लास है वो पांचवी या छठी क्लास में इंशाल्लाह आएगी, वो यहाँ पे होगा पेज लेआउट में, क्योंकि इसका अपना पेज लेआउट का एक सेक्शन पूरा बना हुआ है। तो अगर ये चीज़ मैं अभी आपको समझा दूँगा तो आप यहाँ पर नहीं समझ पाएंगे, तो जब ये क्लास आएगी तो ये और ये दोनों आपको फिर बता दूँगा, क्लियर कर दूँगा कि पेज ब्रेक का क्या काम होता है इसमें। तो फिलहाल मैं आपको टेबल पे लेके जाता हूँ कि जैसे हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं नीचे जाऊँगा, यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा कि मुझे टेबल बनानी है। यहाँ पे देखें, मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा तो ये आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर मैं ये बनी बनाई टेबलें हैं, आप यहाँ से कोई भी एक टेबल ला सकते हैं। अगर मुझे ये टेबल यहाँ से नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट अ टेबल, आपको कितने कॉलम चाहिए और कितनी रोज चाहिए आप यहाँ से कॉलम और रोज दे सकते हैं। मुझे फ़िलहाल 4 कॉलम चाहिए
और इसके अंदर जो है मुझे 3 रोज चाहिए। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है मेरी टेबल बन चुकी है। टेबल की जो मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं वो यहाँ पे इसकी एमएस वर्ड की अपनी ऑलरेडी ऑटोमेटिक बनी पड़ी हुई हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से लेआउट अपना भी बना सकते हैं, एक अपनी तरफ से भी डिज़ाइन यहाँ से आप बना सकते हैं। आप शेड में जाएंगे, यहाँ पे आप शेड दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, और मोर कलर में जाके आप यहाँ से मज़ीद कलर बना सकते हैं। ये देखें यहाँ पे भी इसने कलर दिए हुए हैं, यहाँ से भी आप कलर दे सकते हैं। इसको कैंसिल करता हूँ फ़िलहाल। ये बनी बनाई हुई टेबल्स है हमारी, कि आपको टेबल्स किस किस्म की चाहिए। और यहाँ पे मैं अगर मैं जाऊँगा नीचे तो देखिए इसमें बहुत सारी टेबल्स मुझे मिल जाएंगी। और यहाँ पे मैं पेज टेबल की जो है बॉर्डर वो भी चेंज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं टेबल में लिखूँगा नंबर, नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम। मैं एक ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और वहाँ पे जो मुझे ना अपने एम्प्लॉयर्स की जो है लिस्ट बनानी है, तो यहाँ पे मैं वर्ड के अंदर यहाँ पे मैं लिखूँगा टेबल के अंदर नंबर जो है मेरा ये 01 से स्टार्ट होगा, और जो मेरा नाम है वो है मोहम्मद, और लास्ट में लिख दूँगा अली। तो ये कंप्लीट मेरा नाम कहलाएगा मोहम्मद अली, और जो मेरी कंपनी है वो है सिंध पाकिस्तान। तो इसी तरीके से ही मैं यहाँ पे नंबर 2 फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कंपनी नेम। दोस्तों अब अगर कोई मुझे आके बोलता है कि यहाँ पे बीच में जो है एक कॉलम और बढ़ाना है मुझे, तो उस पर मुझे लिखना है डेजिग्नेशन, कि मेरी डेजिग्नेशन क्या है। तो मैं लेआउट में आऊँगा, ये देखें ये लेआउट है। इस लेआउट में आप देखेंगे यहाँ पे इंसर्ट अबो, इंसर्ट राइट, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट बिलो। तो मुझे कॉलम जो चाहिए वो मुझे चाहिए इंसर्ट राइट, क्योंकि मुझे लास्ट नेम के बाद जो है डेजिग्नेशन डालनी है। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा इंसर्ट राइट को, आप देखेंगे यहाँ पे एक मुझे कॉलम मिल गया, यहाँ पे मैं लिखूँगा डेजिग्नेशन। तो मैं नीचे आऊँगा, ये रेड लाइन आ गई है, ये बता रहा है कि आपकी जो ग्रामर है वो ठीक नहीं है। यहाँ पे मैं खड़े होकर कर्सर से राइट क्लिक करूँगा माउस से, यहाँ पे डिसाइडेड कर लें कि इसमें से कौन सी स्पेलिंग अच्छी है। जहाँ तक मेरा ख्याल है डिज़ाइनर्स की ये वाली स्पेलिंग फर्स्ट वाली जो है वो ओके है। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ से जो है रेड लाइन मेरी हट जाएगी। दोस्तों अगर ये खाना बड़ा हो रहा है, देखें अगर ये एक भी खाना इसमें से बड़ा होगा तो ये सारे खाने ऑटोमेटिक ही बड़े हो जाएंगे। मैं क्या करूँगा यहाँ से थोड़ी सी फॉन्ट साइज़, यहाँ से मैं फॉन्ट साइज़ कम कर दूँगा, तो आप देखें पूरा एक लाइन में आ जाएगा। अब जैसे ही मैं टेबल से बाहर हटूँगा तो आप देखेंगे ऊपर से जो दो ऑप्शन थे डिज़ाइन और लेआउट का, वो दोनों हाइड हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप परेशान हो जाएं, बोलें कि यार हमने अभी तो यहाँ पे डिज़ाइन और लेआउट देखा था तो अब पता नहीं कहाँ चले गए। तो आप जैसे ही यहाँ पे टेबल में इंसर्ट दाखिल होंगे तो आपके सामने डिज़ाइन और लेआउट का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। दोस्तों डिज़ाइन में ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप चाहें तो यहाँ से किसी भी किस्म की आप डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे कि ये है, ये है, और ये है। और नीचे वाली तरफ आप आएंगे देखेंगे तो इसमें बहुत सारी डिज़ाइनें ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो आप यहाँ से कोई भी एक डिज़ाइन चॉइस करके और उसको यूँ यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे डिज़ाइन जो है इसकी अप्लाई हो जाएगी। अब मैं आ रहा हूँ लेआउट में। मैं चाहता हूँ कि लेआउट के अंदर जो मेरे ये चीज़ें हैं ये सेंट्रलाइज हो जाएं। इसको मैं रेंज में लूँगा और ये देखें यहाँ पे ऑप्शन, ये जो देखें अलाइन सेंटर, तकरीबन जो इस्तेमाल में आता है वो अलाइन सेंटर ही आता है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखें अलाइन सेंटर हो गया, ये सारे फॉन्ट जो हैं वो सारे जो मेरे अल्फ़ाबेट है वो सेंटर में आ गए। और मैं चाहता हूँ ये जहाँ पे है ये ठीक है, पर जो नंबरिंग है खाली मेरी वो आ जाए सेंटर पे। तो यहाँ से मैं इसको सेंट्रलाइज लूँगा और बाकी जो मेरे नाम वगैरह लिखे हुए हैं और लास्ट नेम और डेजिग्नेशन और कंपनी जो लिखी हुई है वो भी ठीक है। तो यहाँ से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं इनको।
अगर आप ये शीट डिलीट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं ये शीट डिलीट कर दूं, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और डिलीट अ टेबल, डिलीट अ रो, डिलीट अ कॉलम, डिलीट अ सेल। सेल का मतलब ये होता है कि आप यहाँ से एक खाना डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप टेबल डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आऊँगा, ये टेबल को डिलीट कर दूँगा। अब दोबारा हम इंसर्ट के ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पे देखें, ये टेबल का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। इस ऑप्शन से आप टेबल जो है मैन्युअली कर सकते हैं, और ये ऑटो टेबल भी यहाँ से आप बना सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अपनी ऑलरेडी बनी हुई हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी ऑटो टेबल सेलेक्ट करके रेंज में लेके एरिया यूँ और क्लिक करके छोड़ देंगे माउस से, तो आपके सामने ये टेबल ड्रा हो जाएगी। कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ। अब मैं चलता हूँ इंसर्ट में तस्वीर वाले ऑप्शन में। ये देखें, पिक्चर जाम हो गए। मैं जैसे ही पिक्चर को क्लिक करूँगा तो अभी आपसे पूछ रहा है कि आपके कंप्यूटर में आप कहाँ से पिक्चर उठाना चाहते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि मेरी ई ड्राइव में पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। PNG जो पिक्चर्स है वो बहुत ही अच्छी होती है वर्ड के लिए, क्योंकि बुक्स वगैरह लिखने के लिए हमें PNG पिक्चर्स की ज़रूरत होती है। मैं ये वाली पिक्चर जो है इंसर्ट करता हूँ, तो देखें ये जैसे ही मैं इसको इंसर्ट किया तो आपके सामने तस्वीर आ गई। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं जहाँ पे रखूँगा ये वहाँ पे जाएगी, पर फिलहाल जो है ये इतना वर्क नहीं कर रही। मैं रैप टेक्स्ट में जाऊँगा और यहाँ पे टाइट को रखूँगा। जैसे ही मैं टाइट को रखूँगा तो आप देखेंगे इसके इर्द गिर्द जो है ना अल्फाज घूमने लगे हैं, इसके चारों तरफ जो है वो अल्फाज आ रहे हैं। यहाँ पे मैं इस पैराग्राफ को और इस पैराग्राफ दोनों को एक कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे डिलीट का बटन जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये दोनों पैराग्राफ आपस में मिल जाएंगे। ये देखें, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप जब भी तस्वीर के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हमेशा कॉर्नर से ही छोटा बड़ा किया करें, क्योंकि अगर आप यहाँ से छोटा बड़ा करेंगे तो ये तस्वीर जो है स्केच हो जाती है हमारी। तो इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल कीजिएगा कि जो भी आप तस्वीर इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, चाहे वो आपकी हो या किसी चीज़ की, आप किसी आइकॉन की हो, तो यहाँ पे इंसर्ट करते वक्त आपको इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना है कि आप कॉर्नर से जो है इसको छोटा बड़ा करें, ताकि जो आपकी तस्वीर है वो एक्यूली रहे और वो ख़राब ना हो। अगर आप चाहें तो यहाँ से ग्रीन बटन आप देख रहे हैं इसका, यहाँ से आप इसको राउंड कर सकते हैं। लेफ़्ट से माउस से लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड ऑन करके यूँ आप घुमा सकते हैं माउस के ज़रिए। ये देखें, और कंट्रोल जेड, मैं वापसी उसी जगह पे आना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे तस्वीर भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब आता है क्लिप आर्ट। ये देखें, ये क्लिप आर्ट है। इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बता रहा है कि आप यहाँ पे कौन सी चीज़ सर्च करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ मुझे सारी चीज़ें चाहिए, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और गो को क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं गो को क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे क्लिप आर्ट जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अपनी तस्वीरें हैं वो खुल जाएंगी। अगर मैं यहाँ से ये वाली पिक्चर चाहिए तो इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये वाली जो पिक्चर है मेरी, ये पेज के ऊपर आ जाएगी। और इसको मैं यहाँ पे जाऊँगा रैप टेक्स्ट पे, यहाँ पे इसको टाइट कर सकता हूँ, बिहाइंड ए टेक्स्ट कर सकता हूँ, और यहाँ से जो मैं इसको टाइट पे ही तकरीबन इस्तेमाल होती हैं ताकि इसके आजू बाजू इसके जो चारों तरफ हैं वो फॉन्ट चिपके रहें। मैं इसको टाइट करता हूँ तो आप देखेंगे ये तस्वीर हमारे सामने आ गई है पेज में। इसको मैं यहाँ से अब क्लोज कर देता हूँ। अगर आपको मज़ीद तस्वीरें चाहिए तो आप इंसर्ट में जाकर और क्लिप आर्ट को क्लिक करके और दूसरी तस्वीरें भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे फॉर्मेट में आऊँगा। ये देखें, जब मैं इस तस्वीर से हट जाऊँगा तो ये फॉर्मेट वाला जो ऊपर ऑप्शन है यहाँ पे वो गायब हो जाएगा। और जैसे ही मैं तस्वीर को क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ऊपर जो फॉर्मेट का ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। यहाँ पे मैं तस्वीरों को देखता हूँ। ये देखें, ये तस्वीरों की मुख्तलिफ डिज़ाइनें हैं जो उसकी ऑटोमेटिक बनी हुई हैं। ये देखें, शेडो, राउंड, ये मुख्तलिफ किस्म की जो डिज़ाइनें हैं हमारी। ये देखें, बहुत सारी डिज़ाइन है इसके अंदर। आप कोई भी एक डिज़ाइन पसंद कर सकते हैं।
आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो ये डिज़ाइन इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से हट जाएं बस। और यहाँ पे देखें ये इसके कलर हैं, यहाँ पे ये वाले ऑप्शन में आप आएंगे इस वाले ऑप्शन में तो आप देखेंगे यहाँ पे कलर हैं और आप इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं यहाँ से, और मुख्तलिफ कलर आप यहाँ से दे सकते हैं। ये मैं इसकी ओपेसिटी कम कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको दे रहा हूँ रैप टेक्स्ट में जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा लेफ़्ट साइड से माउस से, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ बिहाइंड अ टेक्स्ट। जैसे वाटरमार्क होता है तो वाटरमार्क की तरह ये चीज़ उसके पीछे शेडो की तरह दिखाई देगी। आप इसको यहाँ से कॉर्नर से पकड़कर बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखें आप पूरे पेज को सेट कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मुझे जूम इन जूम आउट करना है, तो देखें ये नीचे में ये ऑप्शन है, यहाँ पे बता रहा है जूम आउट। और अगर प्लस वाले निशान को मैं क्लिक करूँगा तो ये कह रहा है कि जूम इन, पेज आपके सामने जूम इन और जूम आउट यहाँ से होगा। अगर आप माउस से करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड ऑन करेंगे और माउस का जो ट्रैक बॉल होता है आप उसको ट्रैक बॉल को जो है ना ऊपर नीचे जैसे ही करेंगे, जो माउस दोनों बटनों के बीच में होता है टायर की तरह, अगर उसको आप आगे पीछे करेंगे तो ये देखें जूम इन और जूम आउट हो रहा है। जैसे ही आप कंट्रोल से हाथ उठा लेंगे बटन से तो ये यहाँ पे आपका पेज रुक जाएगा। ये शॉर्टकट की है पेज को जूम इन और जूम आउट करने के लिए, क्योंकि ये अक्सर ऑफिसों में इस्तेमाल होती है। दोस्तों अब मैं दोबारा चलूँगा इंसर्ट में। हमारा जो क्लिप आर्ट है और पिक्चर है वो दोनों हो चुके हैं। अब मैं आऊँगा शेप की तरफ। देखें ये शेप है हमारे, ये वर्ड के अपने ऑटोमेटिक ही बने हुए होते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कोई भी एक शेप उठा लूँ, जैसे कि मैं ये शेप उठाता हूँ। देखें मेरा जो ये निशान है प्लस की तरह हो गया है, इसका मतलब है कि मैंने कोई चीज़ उठाई हुई है, यहाँ पर मुझे ड्रैग करनी है। ड्रैग करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले नीचे आऊँगा और यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करूँगा माउस से, लेफ्ट वाले बटन को होल्ड डाउन रखूँगा जितना आप करना चाहते हैं। ये देखें ये मैं इसको खींच रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको छोड़ दूँगा। जैसे ही मैं इसको छोड़ूँगा आप देखेंगे ये एक मेरे सामने बॉक्स बन गया और यहाँ पे ये कह रहा है कि रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट वही ऑप्शन कि आप इस बॉक्स के साथ क्या करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्स जो है, अब इसके पीछे जो फॉन्ट मेरे हैं पैराग्राफ के वो गायब हो गए हैं, जो लाइनें थी मेरी, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं टाइट करूँ। जैसे ही मैं टाइट करूँगा तो आप देखेंगे कि जो इसके पीछे पैराग्राफ की लाइनें छुपी हुई थी वो बाहर की तरफ अब हमें दिखाई दे रही हैं। ये अक्सर आपने किताबों में ये वाला ऑप्शन देखा होगा कि किसी मैगजीन में या किसी पेज में ये चीज़ बनी हुई होती है बीच बीच में हेडिंग के लिए। ये देखें मैं जैसे जैसे इसको मूव करूंगा तो आप देखेंगे कि इसके आजू बाजू चारों तरफ जो है अल्फाज घूमने लगेंगे। अब मैं चाहता हूं कि मेरा इसके अंदर मैटर ऐड करना चाहता हूं, मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और ये देखें यहां पे आपको बता रहा है ऐड टेक्स्ट। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कर्सर जो है इसके बीच में आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिंध पाकिस्तान वेबसाइट। सब्सक्राइब माय चैनल्स। तो मैं चाहता हूं कि इसको मैं थोड़ा बढ़ा दूं फॉन्ट साइज। आप यहां पे होम में आएंगे और इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें ये फॉन्ट साइज़ जो है मेरी बढ़ रही है, पर जो फॉन्ट है मेरे वो नीचे जा रहे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें यहाँ पे ये देखें, ये जैसे ही मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो डबल तीर मुझे दिखा रहा है। इसका मतलब है कि अब आप बॉक्स को ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पे भी बॉक्स को ड्रैग करने के लिए माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड ऑन रखूँगा और नीचे ले आऊँगा तो ये देखें ये यहाँ तक, तो अब ये पूरी हेडिंग मेरी दिखाई दे रही है। आप अपनी तरफ से भी इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंसर्ट में ये देखें शेप्स आपके सामने, आप कोई भी एक शेप लेके और आप अपनी तरफ से कोई भी एक इस पर जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी एक चीज़ पे। वो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी तरफ से क्या प्रैक्टिस करते हैं इसके अंदर। दोस्तों मेरे ख्याल में वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है, मुझे ब्रेक करना चाहिए।
क्लास तो बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल हम एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।